हमारा टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। हालांकि बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन के बारे में पहले के चैप्टर्स में भी मैं आपको कुछ कुछ बताती रही हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स में बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन के बेनिफिट्स को हम एक स्पेशल सेंस में लेते हैं। आपको मालूम है कि इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है कि एजुकेशन जो है वो एक इन्वेस्टमेंट गुड है, वो इन्वेस्टमेंट जिस पर कि व्यक्ति को रिटर्न मिलता है। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे हमें उस पर रिटर्न मिलता है, ठीक इसी तरह जब हम एजुकेशन पे स्पेंड करते हैं या व्यक्ति एजुकेशन पे स्पेंड करता है या समाज एजुकेशन पे स्पेंड करता है तो उसको रिटर्न मिलता है। तो जो भी रिटर्न जो है समाज को या व्यक्ति को एजुकेशन पे स्पेंड करने से मिलता है उसे हम कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। सोसाइटी या व्यक्ति को जो कुछ भी मिल रहा है एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करने से वो कहलाएगा उसका कि उसी एजुकेशन से क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन को जो है हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, पहले प्राइवेट बेनिफिट्स और दूसरे जो है सोशल बेनिफिट्स। प्राइवेट बेनिफिट्स जो होते हैं वो होते हैं जो कि किसी व्यक्ति को मिलते हैं। जब कोई व्यक्ति एजुकेशन लेता है तो उसके जो बेनिफिट उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं उसे हम प्राइवेट बेनिफिट कहते हैं। प्राइवेट बेनिफिट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है डायरेक्ट बेनिफिट या मॉनेटरी बेनिफिट। अगर ये बेनिफिट उसी मॉनेटरी टर्म में होते हैं, मॉनेटरी का मतलब है मनी के टर्म में, सपोज कीजिए आप कोई एजुकेशन लेते हैं, कोई कोर्स करते हैं, बीटेक का करते हैं, एमबीए का करते हैं या फिर आप एमबीबीएस का कोर्स करते हैं, उसके बाद आपकी डायरेक्ट जॉब लग जाती है और आपको जो है मॉनेटरी बेनिफिट होता है, तो इसको कहेंगे कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है या आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है। तो किसी एजुकेशन की कोई डिग्री प्राप्त करने से या एजुकेशन लेने से किसी व्यक्ति को जो मॉनेटरी गेन होता है उसे हम एजुकेशन के डायरेक्ट बेनिफिट या मॉनेटरी बेनिफिट के नाम से जानते हैं। दूसरे बेनिफिट होते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एजुकेशन के बहुत सारे जो हैं वो इनडायरेक्ट बेनिफिट हैं या जो है और बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपकी एजुकेशन लेने से नॉलेज बढ़ जाती है, स्किल बढ़ जाती है, या फिर आपकी जो है नॉलेज स्किल के साथ आपका एटीट्यूड चेंज होता है या आपको और फायदे होते हैं, तो इसे हम कहेंगे कि आपको इनडायरेक्ट या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है। इसी तरह जिस तरह से प्राइवेट बेनिफिट दो तरह के होते हैं, उसी तरह से एजुकेशन के जो सोशल बेनिफिट है वो भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के कैसे, देखिए सपोज कीजिए कि जो है डायरेक्ट बेनिफिट या मॉनेटरी बेनिफिट। डायरेक्ट सोशल बेनिफिट का मतलब है कि जब लोगों की आय बढ़ जाती है और वो लोग उस आय के ऊपर टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट या सरकार को उस टैक्स जो टैक्स कलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट का मॉनेटरी बेनिफिट होता है, तो उसे हम डायरेक्ट सोशल बेनिफिट या मॉनेटरी सोशल बेनिफिट भी कहते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट को बहुत सारे इनडायरेक्ट सोशल बेनिफिट भी होते हैं या नॉन मॉनेटरी सोशल बेनिफिट भी होते हैं। लेकिन नॉन मॉनेटरी सोशल बेनिफिट हमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कि प्राइवेट बेनिफिट तो केवल स्टूडेंट्स को होंगे या पेरेंट्स को होंगे, यानी कि जो व्यक्ति एजुकेशन ले रहा है प्राइवेट बेनिफिट केवल उसी व्यक्ति को होगा। लेकिन सोशल बेनिफिट जो है वो सारी सोसाइटी को होगा। कल जो है इनकम टैक्स अगर इंडिविजुअल्स पे करते हैं तो उनका इनकम टैक्स जो है गवर्नमेंट देश के और वेलफेयर के कामों में लगाती है जिससे कि जो है लोगों को फायदा होता है। इसी तरह जो डायरेक्ट प्राइवेट और मॉनेटरी बेनिफिट होता है, हालांकि उसका फायदा केवल जो है उसी व्यक्ति को होता है जिसने कि वो एजुकेशन ली है, और इसको कैलकुलेट करते हैं हम कि उस एजुकेटेड पर्सन को अपनी उस लाइफ टाइम की उस एजुकेशन से लाइफ टाइम टोटल कितनी अर्निंग हुई। तो अगर आपने अपनी एजुकेशन के ऊपर बीटेक करने के लिए 8 लाख रुपए खर्च किया 4 साल के अंदर, तो आपको पूरी लाइफ में उसके थ्रू जो जॉब मिली और उसके थ्रू जो अर्निंग हुई वो कहलाएगा कि वो आपका डायरेक्ट प्राइवेट बेनिफिट या मॉनेटरी बेनिफिट है। इसी तरह नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, मैंने अभी आपको बताया कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट का मतलब है कि अगर आपकी नॉलेज में वृद्धि होती है, स्किल में वृद्धि होती है एजुकेशन लेवल से, या मान लीजिए आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है या आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है या लोगों का या आपका जो है फेवरेबल एटीट्यूड बनता है, आप ज़्यादा सेविंग करने लग जाते हैं, स्मॉल फैमिली रखते हैं,
आपका आउटलुक जो है वो रेशनल हो जाता है, आपका टेम्पर जो है साइंटिफिक हो जाता है, या आपका बिहेवियर डेमोक्रेटिक हो जाता है, तो ये कहेंगे कि ये व्यक्ति को जो है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं एजुकेशन के। जिस तरह एक व्यक्ति को बेनिफिट्स मिलते हैं, उसी तरह एजुकेशन के बेनिफिट पूरी सोसाइटी या समाज को भी मिलते हैं। समाज को क्या बेनिफिट मिलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इससे जो होता है व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ेगी तो वो टैक्सेस पे करेगा, तो समाज के सभी व्यक्ति मिलकर के जो टैक्सेस पे करते हैं उस स्टेट को, उसे हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट सोशल बेनिफिट है या डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है किसी भी सोसाइटी को, स्टेट को या गवर्नमेंट को। इसी तरह इनडायरेक्ट या नॉन मॉनेटरी सोशल बेनिफिट क्या होते हैं, क्योंकि एजुकेशन से हमें एनलाइटेड सिटीजन्स मिलते हैं, इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स मिलते हैं, ऐसे सिटीजन्स मिलते हैं जिनमें सिविक सेंस होती है, हाइजीन की हैबिट डेवलप होती है। जब हाइजीन की हैबिट डेवलप होंगी तो नेचुरली है बीमारियां कम होंगी, बीमारियां कम होंगी तो आपका हेल्थ पर होने वाला खर्चा जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वो लोग तैयार होते हैं जो कि डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हमें ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, क्योंकि हमारे सभी देशों में डेमोक्रेसी है, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं, अपनी गवर्नमेंट खुद चूज करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और खुद से एफर्ट करते हैं इसके लिए, गर्ल चाइल्ड के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते एजुकेशन या किसी और चीज़ को लेकर के, गर्ल और फीमेल और मेल चाइल्ड के अंदर सोशल अब्यूज़ के अगेंस्ट होते हैं, या फिर वो नॉन वायलेंट सोशल एक्शन में बिलीव नहीं करते और पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम कहेंगे कि ये सारे सोशल बेनिफिट हैं जो कि हमें एजुकेशन लेने से हो रहे हैं, या ये सारे हमारे इनडायरेक्ट बेनिफिट हैं जो कि हमें एजुकेशन लेने से हो रहे हैं। अब आता है कि जिस तरह से एजुकेशन से हमें बेनिफिट मिलते हैं, उसी तरह एजुकेशन से हमें रिटर्न्स भी मिलते हैं। जो मॉनेटरी बेनिफिट है एजुकेशन के, वही उसका रेट ऑफ रिटर्न है। मॉनेटरी बेनिफिट क्या होता है कि हर आदमी एजुकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ खर्च करता है। ये मैंने आपको कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में बताया था कि हर एजुकेशन का एक कॉस्ट होता है। कॉस्ट हम क्यों खर्च करते हैं या एजुकेशन पे हम क्यों खर्च करते हैं, चाहे हम वो मनी खर्च करें, चाहे हम अपनी टाइम खर्च करें, चाहे हम एनर्जी खर्च करें, क्योंकि हमें उससे मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है। तो एजुकेशन से जो हमें मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, उसे हम कहते हैं उसका रेट ऑफ रिटर्न। तो एजुकेशन से जो रिटर्न मिलते हैं, उसको भी हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला है प्राइवेट रिटर्न और दूसरा है सोशल रिटर्न। प्राइवेट रिटर्न वो रिटर्न होता है जो कि इंडिविजुअल को प्राप्त होता है या किसी एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो जो भी मॉनेटरी बेनिफिट, मान लीजिए आपने एमए की एजुकेशन ली, इसके बाद अगर आपकी नौकरी लग गई या आपको आपको करियर एडवांसमेंट मिल गया या आपका प्रमोशन हो गया या आपके और ज्यादा अच्छे क्या कहते हैं सैलरी आपको मिलने लगी, तो ये कहलाएगा मॉनेटरी बेनिफिट। तो ये प्राइवेट रिटर्न है जो कि आपको एजुकेशन की वजह से मिला। तो जो भी मॉनेटरी बेनिफिट आपको एजुकेशन की वजह से मिलता है, क्योंकि आपकी स्किल एनहांस होती है, क्योंकि आपकी जो है एजुकेशन एनहांस होती है, उसे कहते हैं प्राइवेट रिटर्न ऑफ एजुकेशन। इसी तरह सोसाइटी को जो रिटर्न मिलता है, सोसाइटी को क्या रिटर्न मिलेगा, मान लीजिए आपने आईएम से एमबीए किया, आईएम से एमबीए किया, आपकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई और आप सरकार को टैक्स देने लग गए, तो सारी जिंदगी आप जो टैक्स देंगे, इसी तरह सारे टैक्स पेयर जो टैक्स पे करेंगे, वो कहलाएगा कि वो एजुकेशन का सोशल रिटर्न है, क्योंकि इसकी वजह से लोगों की इनकम बढ़ी, इनकम की वजह से उन्होंने टैक्स देना शुरू किया, टैक्स देना शुरू किया तो डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी, जिसके थ्रू जो है इस वजह से जो है एजुकेशन का ये हमारा टोटल सोशल रिटर्न कहलाएगा। इसके अलावा देखिए एजुकेशन के और बहुत सारे फायदे होते हैं, केवल यही नहीं कि हमें प्राइवेट और सोशल बेनिफिट मिलता है। इसके पार्ट्स को मैंने जो है वो पांच पार्ट्स में डिवाइड किया है बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन को। पहला है पर्सनल बेनिफिट, दूसरा है सोसाइटल बेनिफिट, तीसरा है इकोनॉमिक बेनिफिट, चौथा है इन्वायरमेंटल बेनिफिट और पांचवा है हेल्थ बेनिफिट। अब हम इन बेनिफिट्स को सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है इसमें पर्सनल बेनिफिट। एजुकेशन हमें पर्सनली बेनिफिट करती है। मैंने अभी आपको बताया कि आपको मॉनेटरी गेन भी होते हैं और नॉन मॉनेटरी गेन भी होते हैं। अब मॉनेटरी गेन तो आप सबको पता है कि मॉनेटरी गेन में क्या होगा कि मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई, मान लीजिए एजुकेशन की वो डिग्री हासिल करने से आपका प्रमोशन हो जाता है या करियर एडवांसमेंट हो जाता है और उसके थ्रू आपकी सैलरी बढ़ जाती है, तो भी वो आपका पर्सनल बेनिफिट है।
इसके सिवा मान लीजिए एजुकेशन लेने से आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होता है, जिससे किसी भी इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो ये एजुकेशन का बेनिफिट है। अगर आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जैसे सपोज कीजिए अभी किसान आंदोलन चल रहा है, अब क्रिटिकल थिंकिंग में आप ये सोचेंगे कि क्या किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट करना मेरे लिए सही है या गलत, क्या जो किसान जिस काम के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो सही है या गलत। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप खुद से लॉ को पढ़ेंगे और लॉ पढ़ने के बाद ये खुद से डिसाइड करेंगे कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनकी मांगे सही हैं या नहीं, बजाय इसके कि आप जो है लोगों के वीडियो देखें, बारे पढ़ें, लोगों से सुने और उन ओपिनियंस पे जाएं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है तो ये सारे डिसीजंस अपने आप लेता है। ठीक इसी तरह आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो बढ़ जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे बढ़ती है एजुकेशन से? देखिए पिछले साल ही अभी कोरोना आया, कोरोना में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन आपने ये देखा इसमें वो पढ़े लिखे लोग जो अपने गांव में लौटे, उन्होंने क्या किया, अपने गांव में ही एक नए तरीके से काम करना शुरू किया। बहुत सारी हमारे पास इंसिडेंट इस तरीके के आए कि जबकि लोगों ने अपने गांव में जाके एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का रूप देके यूज करके उसको एक नया रूप दिया, बहुत सारी चीजों को उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे इंजीनियर्स जो गांव लौटे उन्होंने अपने गांव के ट्रेडिशनल चीजों में अपने इनोवेटिव थिंकिंग को जोड़ा और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नई नई चीजें इजाद की, जिससे कि कोरोना के टाइम जो प्रॉब्लम हो रही थी, हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना था, हमें किसी चीज को छुए बिना करना था, तो आपके सामने डिफरेंट तरह के सैनिटाइजर्स आए, डिफरेंट तरह के मास्क आए, पैरों से सैनिटाइजर स्प्रे करने वाली मशीनें आई, बहुत सारी चीजें ऐसी आई। और ये सब किन लोगों ने बनाई? एजुकेटेड लोगों ने। तो एजुकेशन जो है वो प्रॉब्लम स्किल सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप करती है लोगों के अंदर। ये एजुकेशन का और पर्सनल बेनिफिट है। एक और बात मैं आपको बताऊं, हाईली एजुकेटेड पीपल जो होते हैं, एजुकेशन हमारे अंदर ये फावना भी फीलिंग करती है। जब हमारी इनकम बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी मैक्सिमम नीड सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम सोसाइटी को उसका दिया हुआ वापस कैसे करें। तो आपने हाईली एजुकेटेड पीपल देखा होगा, प्रोफेसर्स हो गए या फिर डॉक्टर्स हो गए या फिर साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए। एक टाइम के बाद जब वो अपनी जॉब से रिटायर भी हो जाते हैं तो भी वो प्रोडक्टिविली जो है वो अपने कामों में लगे रहते हैं और सोसाइटी का जो बेनिफिट है वो करते रहते हैं। तो वो कम्युनिटी को भी गिविंग बैक करते हैं या कम्युनिटी को भी वापस करते हैं। इसके अलावा एजुकेशन हमारे अंदर एम्पावरमेंट लाती है। हम कभी किसी गलत बात के आगे दबते नहीं हैं, हम गलत बातों को मानते नहीं हैं, हम किसी बात पर अंधविश्वास नहीं करते, हम बातों को तथ्यों से परख जोड़ना जोड़ते हैं। तो एजुकेशन जो है हमें एम्पावरमेंट की फीलिंग दिलाती है। इसके अलावा देखिए सोसाइटल बेनिफिट्स, एजुकेशन के बहुत सारे सोसाइटल बेनिफिट्स भी होते हैं। जब मैंने अभी आपको सोशल बेनिफिट्स पढ़ाए थे तो थोड़ा सा बताया भी था सोसाइटल बेनिफिट्स में क्या होता है। एजुकेटेड पीपल लेस क्राइम करते हैं। जितना भी समाज एजुकेटेड होता चला जाएगा, ये देखने में आया है कि समाज जो है उतना जो है क्राइम उस पर कम होता चला जाता है। तो एजुकेशन जो है लेस क्राइम की तरफ बंदे को बचाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, पहले उसको उसकी इनकम अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, उसको एक डिसेंट इनकम होने लगती है, तो उसकी जब जरूरतें बेसिक पूरी हो जाती हैं, एसेंशियल नेसेसिटीज पूरी हो जाती हैं, तो वो क्राइम की तरफ वैसे भी कम जाता है। दूसरी बात, एजुकेशन जो है वो इक्वलिटी को प्रमोट करती है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। समाज में कोई भी और तरीका नहीं है जिससे कि इक्वलिटी लाई जा सके जितना कि हम एजुकेशन से ला सकते हैं। आपको मालूम है कि बीए की एजुकेशन आपने की, बीए के बाद बहुत सारे द्वार आपके खुलते हैं कंपटीशन एग्जाम से बैठने के। आप आईएएस में बैठ सकते हैं, पीसीएस में बैठ सकते हैं, डिफेंस सर्विसेज में बैठ सकते हैं। अब जब आप एक बार अपनी एजुकेशन के बेस पे आईएएस बन जाते हैं, पीसीएस बन जाते हैं, तो कोई भी इनइक्वलिटी सोशल आपके आगे आड़े नहीं आती। फिर कोई भी आपको उस लेवल पे नहीं देखता, चाहे आप गरीब घर से आए हो, चाहे अमीर घर से आए हो, चाहे आप लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से आए हो, चाहे आप अपर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से आए हो, आप सबके लिए उतने ही रिगार्डफुल हो जाते हैं। और तो समाज में इक्वलिटी लाने में बहुत बड़ा रोल है
हमारी एजुकेशन का, और ये इक्वलिटी को प्रमोट करती है, इसलिए समाज की इक्वलिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद एजुकेशन जो है वो हमारे अंदर सिविक सेंस डेवलप करती है। सिविक सेंस, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कहीं भी थूकना नहीं चाहिए, कहीं भी स्मोक नहीं करना चाहिए, हमें गलत आदतें नहीं फॉलो करनी चाहिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, सारे सिविक सेंस जो हैं हमारे अंदर एजुकेशन से आते हैं। ग्रेटर सेंस ऑफ डिसिप्लिन आता है जबकि हम खुद से रूल्स को वायलेट नहीं करना चाहते, क्योंकि एजुकेशन लेने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि अगर हम इस तरीके से सब लोग रूल्स को वायलेट करेंगे तो सोसाइटी के लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और सोसाइटी इस तरीके से चल नहीं पाएगी। तो ग्रेटर सेंस ऑफ डिसिप्लिन जो है वो एजुकेशन हमारे अंदर डेवलप करती है। एक और बड़ा फायदा जो एजुकेशन का होता है वो सोसाइटी के लिए कि जेंडर बेस्ड जितना भी वायलेंस है वो कम हो जाता है। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो जनरली ईट प्रीजन नहीं करते, जनरली घरों में बीवियों को मारने की घटनाएं या आपका गर्ल चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन या फिर जेंडर अब्यूज या फिर मारना पीटना गाली गलौज करना, ये सारे काम वो नहीं करते। तो एजुकेशन जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस को भी रिड्यूस करती है सोसाइटी के अंदर। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि चाइल्ड मैरिजेस के क्या नुकसान होते हैं। तो जो एजुकेटेड लोग होते हैं जनरली वो अपने बच्चों की शादी कभी भी 14-15 साल ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें एजुकेशन की वैल्यू पता चल जाती है। तो वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, करियर बनाने में उनकी हेल्प करते हैं। नेचुरली है कि अपने आप से चाइल्ड मैरिजेस रुक जाते हैं, बच्चों के प्रॉपर एज के बाद ही मैरिज होती है, क्योंकि उसको उनके बेनिफिट्स भी पता चल जाते हैं। इसके अलावा जो है एजुकेशन वो हमारी मैटरनल डेथ रेट, मातृत्व मृत्यु दर को कम करने में भी मदद करती है, क्योंकि नेचुरली एजुकेटेड लोगों की मैरिज लेट होगी, लेट मैरिज होगी तो लेट बच्चे होंगे, लड़कियों की हेल्थ अच्छी होगी, वो ज़्यादा टेक केयर कर पाएंगी, उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की वैल्यू होती है, उनको हेल्थ के बारे में पता होता है, हाइजीन सैनिटेशन के बारे में पता होता है, ऑटोमेटिकली मैटरनल डेथ रेट जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल लिखा हुआ तथ्य है कि हर ईयर की स्कूलिंग जो है, एक साल की स्कूलिंग जो है वो 10% की वेज में हमारा इजाफा करती है। ठीक इसी तरह वर्ल्ड बैंक की रिसर्च ये प्रूफ कर चुकी है कि जिन देशों में 100% लिटरेसी रेट है वो देश जनरली मिडिल और हाई इनकम क्लास के हैं, जबकि जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज हैं ये वो कंट्री हैं जहाँ पर कि आपकी जो लिटरेसी रेट है वो 100% नहीं है या कम है। इसके अलावा जो है एजुकेशन के बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन किस तरीके से हमारी इनकम को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। कैसे करेगी? अगर आप हायर एजुकेशन लेते हैं तो नेचुरली आपको स्किल कोर्स करोगे, स्किल कोर्स करोगे तो आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज जल्दी मिलेंगी। अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है तो आप इंटरव्यू अच्छे से दे पाओगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये हो सकता है कि आप पीजी इसलिए भी कर रहे हो, बहुत सारे लोग इसलिए भी करते हैं कि उनकी ग्रेजुएशन के बाद जॉब लग जाती है, तो करियर एडवांसमेंट के लिए या फिर अपने प्रमोशन के लिए उनको पीजी करना कंपलसरी होता है। जैसे लोग एमबीए का कोर्स जनरली इसीलिए करते हैं, जो बच्चे एनटीपीसी में लग जाते हैं, ओएनजीसी में लग जाते हैं बीएड के बाद, बीटेक करने के बाद, तो वो इसलिए एमबीए करते हैं ताकि इससे उनका करियर एडवांसमेंट हो जाए या उनका प्रमोशन हो जाए। तो नेचुरली एजुकेशन जो है वो हेल्प करते हैं हमारी इनकम को इंक्रीज करने में, हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने में, क्योंकि ना आपको केवल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बल्कि आपको ये पता लगाना भी आसान हो जाता है कि कहाँ कहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं, कौन सी आपके लायक है, आप अप्लाई कैसे करोगे और उन जॉब को कैसे आप जो है क्रैक कर सकते हो। तो इलिटरेट आदमी के लिए तो ये पता करना ही मुश्किल है कि उसके लिए जॉब्स कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि ना तो वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकता है और ना ही जो है वो उनमें अप्लाई कर सकता है, पढ़ भी लेगा तो अप्लाई कैसे करेगा। तो इलिटरेट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो नेचुरली है कि अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट आएगा कि पॉवर्टी रिडक्शन होगा। चूँकि एजुकेशन से हमारा इनकम लेवल बढ़ता है, इनकम लेवल बढ़ेगा तो अपने आप से गरीबी रिड्यूस होगी या पॉवर्टी हमारी रिड्यूस हो जाएगी, और इन सब का ओवरऑल रिजल्ट आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में। क्योंकि जब हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जीडीपी तो क्यूमुलेटिव है पर कैपिटा इनकम का, अगर हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है तो नेचुरली है कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा।
अब आता है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, क्योंकि एजुकेशन के बहुत सारे इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी होते हैं। एजुकेशन लेने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि हेल्दी एयर की क्या वैल्यू है। अगर हम एयर को पोल्यूट कर देंगे या अगर हम वाटर को पोल्यूट कर देंगे तो अल्टीमेटली उसका नुकसान हमें ही झेलना पड़ेगा। वाटर पोल्यूटेड होगा तो जितने भी डिजीजेज होंगे वाटर से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड वो सारे हमें आ जाएंगे, चाहे वो डायरिया है, चाहे डिसेंट्री है, चाहे हेपेटाइटिस है, चाहे टाइफॉइड है, वो सब हमें बहुत जल्दी घेरेगा। इसी तरह अगर एयर पोल्यूट हो गई तो जितनी भी सांस से संबंधित बीमारियां हैं वो हमें हो जाएंगी। तो हमें एजुकेटेड होने के बाद इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी सारे पता चल जाते हैं, इसलिए एजुकेटेड लोग इन्वायरमेंट को कम पोल्यूट करते हैं और उन्हें टेक्निक भी पता चल जाती है कि पोल्यूशन कम करने के लिए कौन सी टेक्निक अवेलेबल है और वो किस टेक्निक को अपना करके इसको कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी मिलते हैं एजुकेशन के। और इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो एजुकेशन का होता है वो होता है हेल्थ बेनिफिट्स के रूप में। स्वास्थ्य के बहुत लाभ हमें मिलते हैं, क्योंकि जो आप नॉर्मल लाइफ में भी देखेंगे कि जो लोग एजुकेटेड होते हैं उनका लाइफस्टाइल बड़ा हेल्दियर होता है। ये एक्सपीरियंस मैं आपको अपनी लाइफ का बताती हूँ कि जब बच्चे एजुकेट हो जाते हैं तो वो किस तरीके से आपसे हेल्दी फूड डिमांड करते हैं। 2015 में हमने एक NSS का कैंप लगाया था जिसमें कि हम बच्चों को फूड प्रोवाइड करते हैं लंच टाइम में। एक बार हमने उन बच्चों को बोला कि हम आपके लिए आज नूडल्स मंगवा देते हैं, तो सारे बच्चों का आउटराइटली ये कहना था कि मैम नूडल्स खाकर हमारे पेट खराब हो जाएंगे, हम जंक फूड नहीं खाएंगे, हमारे लिए फ्रूट्स मंगवाए जाए। तो ये कहाँ से नॉलेज उन्हें आई? ये आई उनके अंदर एजुकेशन से। एजुकेशन ने उन्हें सिखाया कि न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या होती है, एजुकेशन ने उन्हें सिखाया कि जंक फूड क्या होता है, हेल्दी फूड क्या होता है, जंक फूड खाने से उनकी लाइफ के ऊपर कैसा असर पड़ेगा, हेल्दी फूड का उनकी लाइफ के ऊपर कैसा असर पड़ेगा। तो जनरली एजुकेटेड पीपल जो है हेल्थियर लाइफ स्टाइल जीते हैं और जो है इसीलिए जो है उन्हें प्रॉब्लम्स कम होती हैं। मोर न्यूट्रिशन, उन्हें न्यूट्रिशन की नॉलेज होती है, उनको पता है कि बॉडी के लिए जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स हर चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि ये सब उनको पढ़ाया जाता है। तो न्यूट्रिशन की नॉलेज होने से इन चीज़ों को वो अपनी लाइफ में भी अपनाते हैं जिससे उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। कल भी मैंने आपको बताया था कि विमेन एजुकेशन का न्यूट्रिशन पे बहुत बड़ा रोल है, और अगर विमेन एजुकेशन होती है तो घर वालों सभी मेंबर्स का न्यूट्रिशन लेवल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, क्योंकि उनको फिर न्यूट्रिशन की जानकारी हो जाती है कि किस तरह से फूड बनाने से न्यूट्रिशन जो है मेंटेन रहेगा, किस तरीके से फूड उनको बनाने से न्यूट्रिशन इसमें से चला जाएगा, हम न्यूट्रिशन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो इन सब का रिजल्ट ये होता है कि एजुकेटेड लोगों की लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ जो है या उम्र जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जनरली आपने देखा होगा कि हाईली एजुकेटेड लोग, प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं इनकी लाइफ एवरेज आदमी से ज़्यादा होती है, इलिटरेट आदमी से तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इन सबको ये सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, इनको हेल्दी लाइफस्टाइल पता है, ये उस हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो भी करते हैं और जीते भी हैं, जिसकी वजह से इनकी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ ज़्यादा होती है। हमारे देश में देखिए एवरेज एज जो है 70 के आसपास है, लेकिन अगर आप एजुकेटेड पीपल की लाइफ देखोगे जिनकी हेल्दी लाइफस्टाइल है उनकी एज देखोगे तो 80 और 90 के बीच आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो एजुकेशन न केवल हमारी इनकम को बढ़ाती है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, हमें पर्सनल बेनिफिट देती है, बल्कि हमारी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। ये था आपके कि एजुकेशन के आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये आप